नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आप सबके बीच में कुछ ऐसी कहानी लेकर आते हैं जिससे आप सबको प्रेरणा मिले और कुछ सीखने का मिले। आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी है, फिल्मी आदमी की कहानी है, तो थोड़ा फिल्मी अंदाज में बात करूँगा। आज की कहानी है देवरिया जिले के रहने वाले जंगल ठकुरही के ठाकुर साहब की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता, निगेटिव कैरेक्टर से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले। कभी खेसारी लाल यादव को फाइट मारते हैं, तो कभी निरहुआ के साथ जो है दोस्ती कर लेते हैं, तो कभी रितेश पांडे के साथ एक्शन सीन करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवरिया जिले के रहने वाले बालेश्वर सिंह जी का। बालेश्वर सिंह जी अभी तक 150 से ज़्यादा फिल्में की हैं। और आपको बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पूर्वांचल की बात करता है, पूर्वांचल के उन लोग की बात करता है जो पूर्वांचल से निकल के देश दुनिया में अपने पूर्वांचल का नाम रोशन करता है। मैं बहुत दिनों से बालेश्वर जी को ढूंढ रहा था, भाई साहब टाइम नहीं दे रहे थे, आज मैं चुपके से इनके पास आ गया हूँ। चलिए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। सबसे पहले सबको प्रणाम, जितने लोग भी श्रोतागण हैं इस चैनल के। और बोलिए सर, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हम इस समय हैं कुशीनगर में और फिल्म दुल्हनिया आई बलिया में, जी जी, उसी की शूटिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, इस मौसम का लुत्फ भी ले रहे हैं, शूटिंग भी कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा आपने फिल्में किया है। और आमतौर पे होता है जब हमारे क्षेत्र का यानी कि पूर्वांचल का कोई युवा मुंबई का राह चुनता है, तो मन में डर रहता है कि मुंबई जाके मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा, कैसे अपने आप को स्थापित करूंगा। आप देवरिया से निकल के एक देवरिया का पहचान बनाए और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक आपने 150 फिल्में किया है, तो ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई और कितना मुश्किल था? एक्चुअली मैं बॉम्बे में जब गया था तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था जी, और मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर भी बनूंगा। अच्छा, हाँ, बॉम्बे गया था तो मैं पढ़ाई करने गया था। अच्छा, पढ़ाई करने गया था? पढ़ाई करने गया था, और लेकिन अब गाँव का माहौल में मैंने 10वीं तक पास कर लिया था, तो फिर वहाँ के लिए फिर बहुत टफ था लाइफ। जी जी जी। हाँ, सिनेमा का बहुत शौकीन था, मतलब सिनेमा मतलब समझिए कि मैं स्कूल जाने के बजाय जो है घर से पैसे उठा कर सिनेमा देखने के शौकीन थे। बहुत बहुत शौकीन था, मतलब एक हफ्ते में मुझे लगता 4-4, 5-5 फिल्में अच्छा देखता था, तो वो एक मतलब इतना लगाव था। उसके बाद दिल दिमाग में कहीं से आया कि यार क्यों ना ट्राई किया जाए, ट्राई किया जाए। हाँ, लेकिन ट्राई का सफ़र बहुत लंबा रहा। अच्छा, क्योंकि कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अच्छा। और हमें विक्रम गोखले साहब मिल गए, जो हिंदी के बहुत नामी आर्टिस्ट हैं, मतलब आप लोग देखे जी, 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 विक्रम गोखले। अब मैं उनको देख रहा था, मैं सब लोग ऑटोग्राफ उनको ले रहे थे। हाँ। उनके साथ यार क्या चीज़ है आदमी, हाँ, कि लोग ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, तो वहीं से एक सपना बना मेरे अंदर। और स्टार्डम, हाँ, कि यार मुझे भी कुछ करना है। उसके बाद समझे कि स्ट्रगल का शुरुआत हुआ। उसके बाद मैंने जितने पेपरों में ऐड आते थे, चीटर लोग पहले ऐड देते थे कि आइए आप, हाँ, इतना संपर्क कीजिए, फॉर्म भरिए, 5,000-10,000 रुपये दीजिए, आपको हम हीरो बना देंगे। अच्छा। ऐसे करते हुए मैंने, मुझे लगता है करीब लाखों रुपये उस समय गवाया था। अच्छा, लाखों रुपये बर्बाद, लाखों रुपये बर्बाद किया था उस समय, मतलब आज के 25-20 साल पहले की बात है। लेकिन मंजिल तो थी नहीं, वो तो बस चीटर लोग थे, चीट करते थे, बस कोई ऐड देखते मन में ख्वाब, हाँ, कि चलो भाई। एक्चुअली उन लोगों का एक ऐसा था तरीका, मतलब किसी को अपने अंदर लेने के लिए, ऐसे वो लोग अपने आप को प्रेजेंट करते थे, हमको लगता था ये हम रातों रात स्टार बन गए। हाँ, बड़े सपने, हाँ, सपने ऐसे तरह से दिखाते थे वो लोग। तो करीब इस तरह से करते करते, लेकिन उसी में कहते हैं कि जब आप ठान लो कुछ करना है, जुनून था कि कुछ करना है। हाँ, मतलब समझिए कि 50-60 किलोमीटर की जर्नी होती थी हमारी रोज की, स्ट्रगल के लिए। अच्छा, रोज घूमते थे, चक्करों काटते थे, रोज। तब तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, चीजें नहीं थी, मोबाइल नहीं था। हाँ। पेजर लेके हम चलते थे। अच्छा। पेजर पे मैसेज आता था। हाँ। तो उस तरह से हम लोग चलते थे, तो एक लंबा जर्नी था। ऑनलाइन का टाइम नहीं था, वो ऑनलाइन टाइम नहीं था, मोबाइल नहीं था। अच्छा। मोबाइल मुझे याद है कि मैं उस समय वो नोकिया का मोबाइल जब आता था, जी जी, छोटा वाला, तो हम लोग सोचते थे कि हाँ यार इसे कैसे खरीदा जाएगा। अच्छा। तो उस टाइम की बात है, तो वहाँ से शुरुआत हुआ। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, जी, थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर में करीब 2-3 साल गुजारा, जी। फिर उसके बाद इतना मोटा फोटो का जत्था लेकर के हर ऑफिस 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 पोर्टफोलियो लेकर, पोर्टफोलियो लेकर के, मुझे लगता है कि सैकड़ों ऑफिस। अच्छा, रोज चक्कर। हाँ, बस पैसे भी उतना नहीं मिलते थे घर से, स्ट्रगल के नाम पे, मतलब 25-50 मिल गया बहुत है, मतलब उस समय के दौर से। जी जी। और वो 25-50 में आप कितना चलेंगे, कितना चलेंगे, बिल्कुल। तो कुछ पैदल, कुछ उस बस से, कुछ पैदल मैनेज करना पड़ता था, करना पड़ता था। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने ठान लिया है और मेहनत आप करने के
इसमें हैं तो आपको कभी हार नहीं मिलती है जी। तो वो स्ट्रगल चलता रहा, उसके बाद जो है मेरे जब पहली बार ब्रेक मिला, अच्छा, संजय खान की सीरियल जय हनुमान। अच्छा, जय हनुमान से जय हनुमान आपकी शुरुआत हुई। हाँ, मैंने पहली बार कैमरा देखा। अच्छा अच्छा, मतलब 7-8 साल के स्ट्रगल के बाद। अच्छा, 7-8 साल कंटिन्यू स्ट्रगल चलता रहा, अटकते रहे, लोगों से मिलते रहे, अटकता रहा लोगों से। आज आप एक पॉपुलर पर्सनालिटी हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, उन 7-8 साल में मुझे नहीं लगता है लोग 1 महीने 2 महीने 6 महीने स्ट्रगल करते हैं, थक जाते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं, कभी आपके जहन में नहीं आया क्या? नहीं, जहन में तो आता था, लेकिन फिर ये सोचता था यार ये लोग भी हैं तो ये लोग भी तो इंसान ही है ना। हाँ। ये लोग भी तो आदमी है ना जी जी। अब ये लोग यहाँ हैं तो फिर हम क्यों नहीं होंगे, होंगे जरूर होंगे, ठान लिए थे, ठान लिए तो होंगे। हाँ, तो जब कहते हैं आदमी जब ठान ले तो कुछ भी मुमकिन। तो जय हनुमान से आपकी शुरुआत हो गई जी। फर्स्ट बार मैंने कैमरा देखा वो है जय हनुमान जी, और पहली बार मैंने इंडस्ट्री से 7 साल बाद कुछ पैसे पाया था तो जय हनुमान से। कैसा लगा था? जाके मंदिर में मैंने चढ़ा दिया कि भगवान ये आपका है। तो और उसके बाद तो फिर मैंने काफ़ी मैथिलो सीरियल किया, करीब मुझे लगता है कि 10 से 15 मैथिलो सीरियल किया जी जी। उसके बाद एक लंबा ब्रेक गया मेरे लाइफ में। अच्छा, सिनेमा से मैं थोड़ा दूर हो गया, सीरियल से दूर हो गया। कारण? कारण एक चैनल आया था उसमें भोजपुरी का मैजिक टीवी। मैजिक टीवी, मैजिक टीवी पहली बार भोजपुरी का पहला सेटेलाइट चैनल था जी। हाँ, जिसका मैं मुंबई हेड था, मार्केटिंग हेड था। अच्छा, अरे वाह, लाइन एक चेंज। हाँ, ऑटोमेटिक चेंज हुआ। फिर करीब 6-7-8 साल तक मैंने कुछ नहीं किया इंडस्ट्री में। अच्छा। हाँ, ये था कि इंडस्ट्री के लोग मेरे पास थे। हाँ, क्योंकि था, लेकिन आप चैनल, हाँ चैनल में था तो सारे लोग मेरे टच में थे जी जी। फिर 2011 से मैंने फिर एज एक्टर अपने आप को शुरू किया। बीच बीच में एक दो काम चैनल के लिए, चाहे अपने बाहर दोस्त यार रहा तो कर लेता था। तो 2011 से मैंने फिर से एज एक्टर शुरू किया। अच्छा, और बस करीब 150 फिल्मों के आसपास कर चुका हूँ। अब कैसा लगता है कि कभी 7-8 साल स्ट्रगल किया आपने, और कितना मुझे लगता है कि ताकि आपका कोई फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, अपने दम पे अपना जगह बनाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहे, मैजिक टीवी में रहे, मैजिक टीवी तो शायद अब बंद हो चुका है। हाँ, और अब है आप इस्टेब्लिश एक्टर हैं, जो भोजपुरी के 4-5 बड़े एक्टर का नाम आता है, तो बालेश्वर सिंह जी का नाम आता है, तो ये सफ़र तय करके कैसा लगता है और क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि थोड़ी सी खुशी तो होती है कि आपने मेहनत किया, स्ट्रगल किया तो उसका रिजल्ट आपको मिला है जी। लेकिन हम कहेंगे अभी भी स्ट्रगल है, और ये सिर्फ मेरे ही लाइफ में नहीं, हर एक्टर के लाइफ में स्ट्रगल है जी। क्योंकि दिनों पे दिन जो है एक नया कुछ करना आपको होता है, हमेशा उसके लिए जो है आपको कुछ नया सोचना होता है, क्योंकि आपको बीच में लोगों के रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको टफ कंपटीशन देते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे एक्टर होते हैं। अब उनके बीच में आपको रहना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होता है, सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो आप कब आउट हो जाओगे पता नहीं चलेगा। हमेशा कुछ नया करना पड़ेगा, सीखना तो आपको रोज ही पड़ेगा। बालेश्वर जी, आप नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, और मैंने सुना है भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा भी है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, और पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा आपको लुभा रहा है। नहीं, बालेश्वर सिंह एक्चुअली पॉजिटिव में करने के लिए भी बहुत कुछ है, नेगेटिव हमने करीब 150 फिल्में कर लिया, बहुत कुछ कर लिया उसमें। तो पॉजिटिव इसलिए हम थोड़ा सा करना चाह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव में अब कुछ नयापन बचा है अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि पॉजिटिव में हम हर टाइप के कैरेक्टर में थोड़ा जा सकते हैं जी जी। तो रोल एक्टर हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, जिस कैरेक्टर में दम हो वो हमारे लिए। तो अभी हम लोग कुशीनगर में मौजूद हैं, क्या फिल्म की शूटिंग हो रही है और इसमें किस प्रकार का कैरेक्टर है आपका? ये फिल्म है दुल्हनिया लाइव, हम बलिया में जी। बड़ी अच्छी कॉमेडी सब्जेक्ट है, मतलब भोजपुरी में बहुत दिनों बाद एक कॉमेडी सब्जेक्ट है, और भी बनती है ऐसा नहीं है, लेकिन एक कॉमेडी अलग सब्जेक्ट है। हाँ। और इसके डायरेक्टर हैं धीरेंद्र सिंह जी, बड़े अच्छे हैं, एक्चुअली एक्टर हैं इसलिए डायरेक्शन भी बड़ा कमाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ एक सख्त भाई का। अच्छा। जो अपनी बहन को मतलब नहीं चाहता है कि कहीं गलत रास्ते पर चली जाए, और लेकिन फिर बहन के प्यार में जो है सारे चीज़ों को मैं ही मैनेज करता हूँ, उनकी शादी ब्याह कराता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब इतनी पॉजिटिव ही कैरेक्टर है। अच्छा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बहन को लेकर के बहुत सीरियस रहता है कि मेरी बहन कहीं गलत ना हो जाए। आपने जिक्र किया कि आप सिनेमा बड़ा देखते थे, और आपकी तमाम फिल्में अब लगती हैं, अब आपके चाहने वाले मिलते होंगे, आप रास्ते चलते होंगे तो लोग पहचान लेते हैं, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, मतलब ये हर एक्टर का एक सपना है कि आपको अपनी पहचान बतानी ना पड़े, बतानी ना पड़े, लोग पहचाने जी। तो अब जब लोग पहचानते हैं तो ऐसा लगता है यार जो जूते हमारे घिसे थे शायद उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है हमें, ये मेरी मूल कमाई है, ये हमारी मूल कमाई है। क्योंकि
जब हम लोग घिसते थे जूते तो उस समय ऐसा लगता था कि यार ये हमारे लिए है ही नहीं इंडस्ट्री। अच्छा, वो दिन याद आता है? हाँ, ये अभी भी याद आता है। अभी भी हम जब जगहों पर जाते हैं, चाहे नए लड़कों को देखते हैं, चाहे कुछ ऐसी बात, अभी भी यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है। अच्छा, यहाँ अभी भी मतलब ग्रुपबाजी कॉम्पिटिशन बहुत है इस लाइन में। तो थोड़ा सा लगता है कि यार चलो ठीक है, मेहनत किया, ऊपर वाले ने बख्शा, जनता जनार्दन ने बख्शा, तो खुश हैं उसी से। तमाम पूर्वांचल के जो लोग, पूर्वांचल के जो कलाकार बालेश्वर सिंह जी को फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरह एक शख्सियत के रूप में उभरे, एक नेम फेम कलाकार हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस यही कहेंगे कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया, अगर आपकी इच्छाएँ हैं इस लाइन में आना है तो पहले तो आप प्रॉपर तैयारी करके आइए, पूरा अपने ऊपर होमवर्क करके आइए कि आपको मेरे तरह 8 साल 9 साल स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आप लोग आइए, अगर आपके अंदर हुनर है, ताकत है और आपने उस पर पूरा मेहनत किया है तो आइए। इंडस्ट्री वेलकम हमेशा करती है, क्योंकि अच्छे कलाकारों की, अच्छे लोगों की वेलकम हमेशा इंडस्ट्री किया है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ चैनल है ये, और आप बहुत ही कमाल के आप एंकर हैं। थैंक यू। लोग इंटरटेन होते हैं आपसे, तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी इनके दर्शक हैं, आप लोग देखिए, इनको अपना प्यार सब और आशीर्वाद इनको दीजिए, और कोशिश कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम हमेशा पूर्वांचल की बात करती है, और आज उसी कड़ी में हमारे साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार बालेश्वर सिंह जी थे। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राम। थैंक यू।